नमस्कार दोस्तों, कल आप में से जो पिछले वीडियो डाले थे उसमें से एक दो अपने से पूछ रहे थे कि भाई धन के निष्कासन का जो सिद्धांत था इसकी परिभाषा क्या थी। तो देखो, इसकी परिभाषा छोटी सी है। क्या कि भारतीय धन से भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसका जो मुनाफा था वो इंग्लैंड या ब्रिटेन में बेचना ही क्या कहलाया धन के निष्कासन का सिद्धांत। अर्थात भारतीय धन से भारतीय वस्तुओं को खरीदकर उसका जो मुनाफा था उसी को दूसरी अर्थव्यवस्था या ब्रिटेन में भेजना कहलाया धन के निष्कासन का सिद्धांत। कल अपन ने बात कर ली धन के निष्कासन के सिद्धांत के ऊपर, भी औद्योगिकरण के बारे में, कृषि का वाणिज्यकरण, स्थायी बंदोबस्त, और आज बात करेंगे अपन गरीबी का दुष्चक्र। देखो, भी औद्योगिकरण हुआ तो क्या हुए, बेरोजगार हुए, जो भारतीय कुटीर उद्योग धंधे थे वो बंद हो गए। उसके अलावा स्थायी बंदोबस्त से भी क्या हुआ कि बहुत से किसानों ने खेती जमीन करना ही बंद कर दिया। कृषि का वाणिज्यकरण का भी यही प्रभाव पड़ा कि लोगों ने क्या कहा कि हम तो भाई फसल ही नहीं करेंगे, क्योंकि नुकसान हो रहा था, सीधा सीधा उसका फायदा कौन ले रहे थे, अंग्रेज। और धन के निष्कासन के सिद्धांत से भी यही निकल के सामने आया। इन सभी कारणों की वजह से देखो, यही से स्टार्ट करते हैं, क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों का शोषण हुआ और उन्होंने कृषि क्षेत्र की ओर पलायन किया। स्वाभाविक सी बात है, बेरोजगारी आएगी। भाई कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए तो लोग क्या करेंगे, बेरोजगारी तो होंगे, बेरोजगार होंगे तो कोई रोजगार देखेंगे, रोजगार अब ये थोड़ी हमको आज कोई कंपनी मिल जाएगी सीधी जाते ही। उस समय तो वैसे भी पढ़े लिखे तो अंग्रेजी थे, पर तो वैसे ही अधिकतर मोस्टली बिना पढ़े लिखे थे। तो गरीबी बढ़ने लगी, गरीबी बढ़ी तो लोगों का पलायन हुआ किधर, कृषि क्षेत्रों की ओर। कृषि क्षेत्रों के साथ एक साथ में ही इतने लोग जाएंगे तो क्या होगा, भूमि और व्यक्तियों में असंतुलन। कैसे हुआ असंतुलन, देखो जैसे मान लो ये इतना बड़ा खेत है, अब एक किसान के एक ही पुत्र था, पहले वो एक ही खेती करता था, अब चार करेंगे तो इसको चार भाग बन जाएंगे, ये मेड़ बन जाएगी, तो धीरे धीरे धरती इतनी इतनी तो खराब होगी ना, तो इससे क्या होगा, उत्पादकता में कमी आएगी। उत्पादकता में कमी आएगी तो आय में भी कमी आएगी, आय में कमी आएगी तो जो उनका बजट था उनमें भी कमी। ये सीधा ही लिख दें, जैसे उत्पादक में उत्पादकता में कमी आई तो आय में भी कमी, आय में कमी होगी तो निवेश में भी कमी होगी। अब कृषि क्षेत्र में निवेश ही कम करेंगे अपन तो क्या होगा, उत्पादन कम, उत्पादन कम होगा तो वापस से क्या होगी, यही चक्र था जो क्या कहलाया गरीबी का दुष्चक्र। धीरे धीरे ये चक्र था जो चलता ही रहा, और भारतीय किसानों में इस चक्र को तोड़ने के लिए क्या क्रांति करना जरूरी है। इस प्रकार धीरे धीरे इन सभी कारणों ने किनकी पृष्ठभूमि बना दी, 1857 की क्रांति की। तो अपन ने दो चीजों के बारे में बात कर ली, 1857 क्रांति के सामाजिक कारण, आर्थिक कारण। अब नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे किसके बारे में, राजनीतिक कारणों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।